रेड लाइट न्यूज की नवरात्र विशेष रिपोर्ट। सागर जिले की रहली तहसील के ग्राम पंचायत रानगिर के पहाड़ों में विराजी हैं हरिसिद्धि माता। माता हरिसिद्धि के मंदिर का निर्माण कब कैसे हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं, परंतु यह मंदिर अति प्राचीन व ऐतिहासिक है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच रानगिर में विख्यात हरिसिद्धि माता का मंदिर है। यह मंदिर क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दर्शन के लिए दूर दूर श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर माँ के दरबार में चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि पर मेला लगता है, लेकिन वर्तमान में कोरोना की वजह से मेला नहीं लग पा रहा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्र में लोग माँ को जल अर्पित करने के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर में सुबह से ही पूजन शुरू हो जाता है, रात में जागरण होता है। मान्यता है कि माता से जो भी मन्नत मांगते हैं वह पूर्ण होती है, इसी कारण माता को हरिसिद्धि माता के नाम से पुकारा जाता है। सिद्धिदात्री माता दिन में कई रूप धारण करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सिद्ध क्षेत्र रानगिर के नाम को लेकर भी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शंकर जी ने एक बार सती के सबको हाथों में लेकर क्रोध तांडव नृत्य किया था। नृत्य के दौरान सती माता के अंग टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरे थे। सती माता के अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे वह सभी शक्ति पीठों के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसी मान्यता है कि रानगिर में सती माता की रानी गिरी थी और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम रानगिर पड़ा। माता हरिसिद्धि के मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं, परंतु यह मंदिर अति प्राचीन और ऐतिहासिक है। चर्चाओं के मुताबिक कुछ लोग इसे महाराजा छत्रसाल के द्वारा बनवाए जाने की संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि सन 1726 ईस्वी में सागर जिले में महाराजा छत्रसाल के द्वारा कई बार आक्रमणों का उल्लेख इतिहास में वर्णित है। एक किंवदंती के अनुसार रानगिर में एक चरवाहा हुआ करता था। चरवाहे की एक छोटी बेटी भी थी। चरवाहे की बेटी के साथ एक वनकन्या रोज खेला करती थी एवं चरवाहे की बेटी को अपने साथ भोजन कराती थी तथा रोज एक चांदी का सिक्का देती थी। चरवाहे को जब इस बात की जानकारी लगी तो एक दिन छुपकर दोनों कन्याओं को खेलते देख लिया। चरवाहे की जैसी ही नज़र वनकन्या पर पड़ी तो उसी समय वनकन्या ने पाषाण रूप ले लिया। बाद में चरवाहे ने पाषाण रूप धारण कर चुकी कन्या का चबूतरा बनाकर उस पर छाया आदि की और यहीं से हरिसिद्धि की स्थापना होना बताया जाता है। धीरे धीरे जन सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया गया। एक किंवदंती प्रचलित है कि यह मंदिर पहले रानगिर में नहीं था, नदी के उस पार देवी जी रहती थीं। माता कन्याओं के साथ खेलने के लिए आया करती थीं। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि यह कन्या सुबह खेलने आती है और शाम को कन्याओं को एक चांदी का सिक्का देकर बूढ़ी रानगिर को चली जाती है। उसी दिन हरिसिद्धि माता ने सपना दिया था कि मैं हरिसिद्धि माता हूँ, बूढ़ी रानगिर में रहती हूँ। यदि बूढ़ी रानगिर से रानगिर में ले जाया जाए तो रानगिर हमारा नया स्थान होगा। रानगिर में बेल वृक्ष के नीचे हरिसिद्धि माँ की प्रतिमा मिली। लोग बेल के सिंहासन पर बैठाकर उन्हें सायकाल रानगिर लाए। दूसरे दिन लोगों ने उठाने का प्रयास किया कि आगे और ले जाए, लेकिन देवी जी की मूर्ति को हिला नहीं सकी। ऐसी मान्यता है कि माता के सुबह दर्शन करो तो कन्या रूप में दर्शन होते हैं, दोपहर में युवा अवस्था तथा शाम को वृद्धावस्था में दर्शन देती हैं। विशेष संवाददाता विवेक पटेल की रिपोर्ट।